हमारे पास 6 घंटे हैं। अगर हम ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो अम्मी को ठीक करने का कोई ना कोई तरीका जरूर मिल जाएगा। अंगूठी साहब, तुम जिन्नात किताब घर जाओ और वहां पता करो, शायद हमें कुछ मिल जाए। आका, मैं पहले ही वहां जाके आ गया, वहां कुछ नहीं मिला। आका, असल में हम सबको जिन बनाने वाली और उस किताब घर को बनाने वाली मलिका ही है। ऐसे में जिन से इंसान बनाने का तरीका वो वहां क्यों रखेगी? माफ कीजिएगा आका, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे जादू को वापस वही ले सकता है जिसने वो जादू किया हो। तुम्हारा कहने का मतलब है कि अगर अम्मी को कोई ठीक कर सकता है तो वो मलिका है। काले चोर, क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो? मलिका के जादू का कार्ड ढूंढने। पर भाई मेरे भाई, तुम वो कार्ड कहां ढूंढोगे? जब बात अम्मी की हो तो अलादीन खुदा को भी ढूंढ ले, तो फिर ये मामूली जादू की मामूली कार्ड की बेसाथी क्या है? मैं दुनिया के कोने तक जाऊंगा लेकिन वो कार्ड लेकर आऊंगा। नक्चड़ी, तुम ठीक तो हो ना नक्चड़ी? ये कोई मामूली सांप नहीं था, दुनिया के जहरीले सांपों में से एक था। मगर ऐसा सांप यहाँ आया कैसे? ऐसे सांप महल में खुद नहीं आते, उन्हें भेजा जाता है। मलिका, सहर बुझी औरत। जहर? भाई मेरे भाई, हम एक काम करते हैं, हम उसके खाने में ना जहर मिला देते हैं, बात ही खत्म करते हैं। नहीं 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 गुल्लू, मैं खाने वाली जहर की बात नहीं कर रहा हूँ, सफर को भाईजान बुलाने वाली जहर की बात कर रहा हूँ। उसके कहर से आज तक कोई नहीं बचा, जिन भी नहीं। हाँ, उसके बनाए हुए जहर ने मुझे गहरी नींद में सुला दिया था। अंगूठी छाप, सर पे ये नई आफत कम है जो तुम पुरानी वाली को याद कर रहे हो? काले चोर, हम समझ गए। मैं जानता था तुम जरूर समझोगी। आका, सुल्ताना, मैं भी समझ गया। समझ गए? क्या समझ गए? अरे कोई मुझे भी समझाएगा कि तुम लोग क्या समझ गए? मतलब तुम मलिका के जादू की काट जहर से बनवाओगे। लेकिन भाई मेरे भाई, तुम जैसे ही जहर के सामने जाओगे ना, वो तुम्हें देखते ही बंदर बना देगी। सुल्ताना, माफी। और अगर मैं वहां ना जाके वो जाए जो जहर को माला माल कर दे तो? कौन? मतलब ये नक्चड़ी कि अगर मेरी तरकीब काम आ गई तो जहर हमारी मदद जरूर करेगी, और तुम अपनी ये छोटी छोटी आंखें गोल गोल घुमाना बंद करो। मेरे पीछे तुम और नक्चड़ी तुम, अम्मी का ध्यान रखना। अम्मी का ख्याल वजीर गुलबदन और अंगूठी छाप रखेंगे, हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं। नक्चड़ी, मेरे पीछे अगर मलिका ने बगदाद में कुछ कर दिया तो बगदाद की आवाम को उनकी सुल्ताना की जरूरत पड़ेगी, इसलिए तुम्हारा वहां जाना और तुम लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सब ठीक हो जाएगा। अंगूठी साहब, वल्ला तुम थोड़ा नाटक और खतरे के लिए तैयार होती। बिल्कुल होती आका। बल्ला बल्ला हबीबी, आ गई करीबी। नाजनी नबी मरने के लिए तैयार नहीं है मलिका बेहब, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। बदतमीजी माफ कर सकते हैं,
पर बेवकूफी नहीं। तुमने कहा था कि अपनी अम्मी को नौकरों की तरह मेरे पैर धोते देख अलादीन खंजर लाने को राजी हो जाएगा। खंजर तो मिला नहीं, पर वादा मिल गया कि 6 घंटे के अंदर अंदर वो रुखसार को छुड़ा के ले जाएगा। डांटिए और डांटिए, चाहिए तो 2-4 नहीं मतलब सोने की अशर्फियों की मैं क्या बेगम, दरअसल मुझे लगा। अल्लाह, इतने दिनों बाद तूने इस गरीब की सुनी है, उठा ले आजादी। कितना खराब निशाना, इससे अच्छा तो मतलब आप खुदा जाने नाजनीर के साथ आज क्या होने वाला है। भाईजान आप देखिएगा, जहर का ये जहर सबके होश उड़ा देगा, आपके भी। बिल्ली ईरान की बहन कूड़ेदान की। भाईजान एक तो आप हमें छोड़कर चले गए, ऊपर से हमसे लड़ रहे, जैसे इस जगह से अच्छा तो वो कूड़ेदान होगा। ये सब कुछ उस अलादीन और यास्मिन की वजह से हुआ है, पर आप देखिएगा भाईजान, वक्त फिर से बदलेगा और फिर कहिएगा बेहतरीन। जलेबी नहीं मुठी चाप अभी मैं यहाँ भी नहीं। चिनू हमेशा बोलता रहता है आती मत फंसवा देना तुम नहीं। अभी भी अभी भी। तुम्हारी 1000 कोशिशों के बाद भी मैं लौट आया हूँ जहर, वो भी किसी भी बेजान चीज को हवा से पैदा करने की नई ताकत के साथ। कौन हो तुम दोनों? शेख कंगाल अल बर्बाद होती और ये शेख गरीब अल अमीर होती। हम दोनों खजानस्तान से आती। आती कौन आती? आती 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 तो बहुत खूबसूरत होती, बड़ा बड़ा होती, बहुत भारी होती, उसकी सूंड बहुत लंबी होती। अब हम काम का बात बताती, तुम जहर बोती, हमारा मतलब जहर होती, हमारी तलाश पूरी होती। तुम हमें जहर देती, हम तुम्हें बेहाल माला माल करती। पर तुम्हें कैसा जहर चाहिए? वो जो इंसानों को जिन बनाती। तो तुम्हें जामे जिन चाहिए। पर क्यों? पर क्यों? पर क्यों? पर क्यों? पर क्यों? जिन्नात की फौज हमारी दौलत की हिफाजत करती, तो तुम हमारे काम करती। लेकिन आज तक जामे जिनकी मांग किसी ने नहीं की, क्योंकि सब बुद्धू होती, आका बिल्कुल सही कहती। कबूम बूम आकला कबूम बूम आकला कबूम बूम आकला कबूम बूम आ
कला कबूम बूम ये हमारे मुल्क का गाना होती बहुत अच्छी होती तुम भी नाचती आ कला कबूम बूम ठीक है ठीक है ठीक है और तुम हमें जिन बनाने के जादू का कार्ड भी देती और हम तुमको मुंह माँ की रकम देती तो जहर जहर बनाती 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 पर मुझे थोड़ा वक्त लगेगा क्या तुम लोग कुछ घंटे इंतजार कर सकते हो तुम हमारा काम अच्छा करती हम तुमको ढेर करती अशर्फियों का ढेर बनाती सब तुम्हारा होती नाज़नीन पिछले कुछ तीर हमने जानबूझकर निशाने पर नहीं मारे शिकार को तड़पते बिलकते देख मजा आता है ना मजा आ गया अब असली शिकार अब ज्यादा मजा आएगा ना जाने अम्मी कहाँ हैं कहीं दिखी नहीं रही हैं इससे पहले कि वो जालिम जादूगरनी उन्हें परेशान करे हमें उन्हें ढूंढना होगा ठीक है सुल्ताना एक काम करिए आप उस तरफ जाइए मैं इस तरफ देखता हूँ तुम इतनी बेअदब गुलाम हो कि अपने आका के रास्ते में आओ आका अगर बेअदब हो तो गुलाम बदतमीज हो ही जाते हैं मैं तो सिर्फ तुम्हें याद दिला रही थी किसी की जान लेना गुनाह है तुम्हें औकात भूलने का शौक है और हमारी याद दिलाने की जो बात नहीं मानेगा वो सजा पाएगा मजा आएगा सजा तो मिलेगी अब तुम बदतमीजी कर रही हो पहले तुम्हारा बेटा कर रहा था वो बदतमीजी नहीं वो वादा था मुझे यहां से 6 घंटे में आजाद कराने का वादा और मैंने अपने बेटे को वादा पूरा करना सिखाया है इस गुस्से को बचा कर रख मलिका तेरे बेटे से हारने के बाद काम आएगा रुखसार क्या हुक्म है मेरे आका आज हम तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की अकड़ निकाल कर ही दम लेंगे मंजूर मुझे दोनों किस्म के जहर बनाने में करीबन 3 घंटे लगेंगे 3 घंटे मांगती हम 3 घंटे देती चलो तब तक बाहर चल के ऊँट टहलाती चलो अंगूठी छाप हाँ
लगता है जहर को अपना कहर फिर से दिखाना पड़ेगा। क्यों अलादीन? सुल्ताना क्या हुआ आपको? सुल्ताना आप ठीक है ना? मलिका ने अम्मी को हुक्म दिया है कि वो पूरे दरबार की सफाई अपने हाथों से करे। हम अम्मी को रोकने गए थे और हमें झटका लग गया। सुना था कि मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है, पर तुम्हें तो मेरी नफरत खींच लाई। अंगूठी छाप! अंगूठी छाप! अंगूठी छाप! अंगूठी छाप! ये हाल तुम्हारा भी हो सकता है, और तुम्हें तो पता ही है कि जहर सिर्फ धमकियां नहीं देती, दर्द भी देती है। तब ये बताओ अलादीन कि तुम्हें जामे जिन और उसकी काट क्यों चाहिए? क्योंकि जादूगरनी मलिका लौट आई है। मलिका लौट आई है। जादूगरनी मलिका लौट आई है। जादूगरनी मलिका लौट आई है। भाईजान सुना आपने? जादूगरनी मलिका लौट आई है। अब आपके अधूरे अरमान पूरे होंगे, हमारे अधूरे अरमान पूरे होंगे भाईजान। और अलादीन, यास्मीन और उनका प्यारा बगदाद बर्बाद। मलिका बहुत बहुत खतरनाक है सर, उसने मेरी अम्मी को जिन बना दिया है। तब तुम्हें पता चलेगा कि अपनों को खोने का गम क्या। मेरे भाईजान की जान लेते वक्त तो तुम बिल्कुल नहीं हिचकिचाए थे। जब अपनी अम्मी की बारी आई है तो मुझसे मदद मांगने आए हो। जहर, तुम जानती हो जफर की मौत एक हादसा था। मैं जफर को उसके किए की सजा देना चाहता था, लेकिन उसकी जान नहीं लेना चाहता था। और जाने तो उसने ली, नकचड़ी के अब्बू की, मेरे अब्बू की। देखो सर, मैं पुरानी बातें दोहराना नहीं चाहता। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, मेरी अम्मी से नहीं। और मेरी अम्मी की जान खतरे में, और तुम ही उन्हें से बचा सकती हो। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं जहर। क्या है ना अलादीन, मजबूर मौके नहीं दिया करते। चले जाओ यहां से। ये क्या किया तुमने? अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारा सारा जहर बर्बाद कर दूंगा। अब तुम्हें जहर के कहर से कौन बचाएगा? काश मैं आका की कोई मदद कर पाता। या अल्लाह, इनका साथ देना। सर, मैं जानता हूं जफर के जाने के बाद तुम बहुत मुश्किलों में जी रही हो,
लेकिन मेरा काम कर दो, तुम जितनी दौलत मांगोगी मैं तुम्हें उतनी दौलत दूंगा। मुझे दौलत नहीं, बदला चाहिए, तेरी बर्बादी चाहिए। आका कहाँ गए? वो जहर की किसी चाल में ना फंस जाए। क्या हो रहा है? कैद खाना? जहर क्या छुपाने की कोशिश कर रही है? ये कौन है?